हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको शैडो क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी आपके सनलाइट की मदद से। मैं कोई पिछली वीडियोस की तरह नीचे शैडो या कोई कैरेक्टर लगा के निकलने वाला हूँ, इस बार बहुत ही अलग होने वाली है और बहुत ही अमेजिंग से शैडो क्रिएट होगी, जिसको अगर आप क्रिएट करते हो तो आपकी वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगेगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले आपको मैं छोटा सा ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्यूटोरियल को। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे आप कमेंट में बता देना। और इस समय मैं प्रिज्मा 3D का वर्जन 10th यूज़ कर रहा हूँ, जो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। आपको मैं अपनी हर वीडियोस में बताता हूँ कि हर किसी के जो चैनल पे दिखाए जाते हैं कि 11th आ गया, 12th आ गया, हर एक वर्जन नहीं यूज़ किया करो। हम इस वीडियो पहले जो अपना मॉडल है इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। सो अभी ये इम्पोर्ट हो रहा है भाई, बहुत ही अच्छा लुक आ गया था। वीडियो आप देखी थी, जब शैडो क्रिएट हो जाता है ना, अमेजिंग सी लुक बन जाती है, देखने में तो अच्छा लगता है। साथ में उसके जो इफेक्ट्स हैं, वो ग्लोइंग इफेक्ट लाइक लाइटिंग में बहुत पड़ी थी यार, लाइटिंग को भी आप सेट करोगे ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम जैसे 3D में नहीं देखते मूवीज़ वगैरह में, वैसे देखो अभी मैंने इसमें क्रिएट किया हुआ है। साइड में देखो एकदम ब्लर सा हो गया, जैसे कि अपना ट्री हो गया, ट्री के साइड में भी शैडो क्रिएट हो गया। और घर के अंदर जब आप देखोगे, रूम्स के अंदर, भाई बहुत ही ज़्यादा औसम आ चुका है। अभी मैं दिखाता हूँ, अंदर चल के दिखाएंगे। देखो अभी देखो बाहर से भाई साहब हर एक जगह, मतलब इसका जो ग्रिल वगैरह लगे उधर से भी इसका शैडो क्रिएट हो रहा है, जो कि अगर हम कुछ और करते शैड नहीं क्रिएट होता। सो क्रिएट कैसे हो रहा है इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी आपको एक एक पॉइंट दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्रिएट हो रहा है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा देखना। देखो अंदर चलते हैं, ये बॉक्सेस देख रहे हो, बॉक्सेस के साइड पर भी अपनी शैडो क्रिएट होगी है। और जो एरोप्लेन्स रखी है भाई यार, मतलब हर एक जगह शैडो क्रिएट होगी है, ट्री की क्रिएट होगी है, और वाटर के साइड में जो अपना रेन वगैरह होता है, ग्रिल वगैरह जो भी लगे हैं, देखो इधर भी अपने इसके साइड में भी क्रिएट होगी। इससे अपने को पता चल रहा है काफ़ी बेटर हो गया यार। देखो इधर जो मैंने लाइट पहले ली थी, इसको एक काम करेंगे, कट कर लेंगे, पर उससे पहले इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, जिससे आपको दिखा सकूँ लाइट कहाँ कहाँ। अपने देखो एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, तीन लाइट हैं, तीनों को हम सिलेक्ट करते हैं, कट कर देते हैं, एकदम अंधेरा सा हो चुका है। अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखो अंदर चलते हैं थोड़ा आगे, मतलब हर जगह आपको कुछ नहीं समझ आएगा ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। फिर आप क्या करना, आपको ये जो साइड में बॉक्स वाला ऑप्शन दिखता है, फिर लाइट वाला दिखता है, इसको आपको ले आ लेना है। फिर इधर से लाइट ले आने के बाद आपका ये पॉइंट पर रहता है, हमें तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पॉइंट, स्पॉट लाइट और सन, ठीक है। तो इसको आप सेट करते हो ना, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पर रहता है। जैसे कि अभी मैंने इस हाउस के ऊपर रखा है, जो भी है यार, मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, बट है। अभी इसको मैंने स्पॉट लाइट पर कर दिया, तो ये किसी एक पॉइंट के, जैसे कि अभी इधर करता हूँ ना, तो इसके हॉल के अंदर इसका रिएक्शन पड़ेगा। देखो इसको अभी सेट कर लेते हैं, ये हो चुका है। देखो इसको अब अंदर से देखेंगे, इसके अंदर देखो लाइट पड़ी है, ग्लोइंग इफेक्ट पड़ेगा, बंद हो जाएगा, चालू हो जाएगा। इसको अगर आप नीचे करके लाइट लाओगे तब इसका वर्क करता है ये, मतलब अंदर से पूरी जगह पे लाइटिंग फैला देता है, एक ही जगह पे फैलाएगा, हर जगह नहीं सिर्फ एक जगह पे। अब ये सन करके आपको इसे ऊपर कर देना है, इसका जो इंटेंसिटी है इसको आपको लो कर लेने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लाइट हो जाता है, सो बढ़िया नहीं लगता है। इसे ऊपर करके पहले सेट कर लेते हैं, सो अभी थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, बस सेट है। अब ये जो आपको ग्रीन, रेड और ब्लू कलर की लाइन्स दिख रही है ना, इनसे आपको एडजस्ट करना होगा। उससे पहले ये जो शैडो वाला ऑप्शन है, इसको आप शैडो जो है ब्राइट कर लेना, थोड़ी ज़्यादा कर लेना। अभी देखो इधर कहीं पे भी शैडो नहीं है, सो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शैडो वाला साइड में, इस पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद आपके ऑप्शन आ जाते हैं, 0 पे रहेगा या 1 पे रहेगा, तो इसको आपको कर लेना 25 या 50 कर लेना, जिससे आपका ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। मैंने 25 कर लिया है। देखो अभी अपनी जो शैडो नहीं दिख रही, बट अब दिखनी चालू हो गई है, मतलब इसको आप अपने हिसाब से सेट करना, ग्रीन वाली साइड करना, ग्रीन वाली से अपना इधर उधर होता है। जब अब इसे यूज़ करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा किस तरह हम अपना शैडो को ले आ सकते। देखो
अभी बेसिक सा काफ़ी बेटर लग रहा है। सो आप इधर 3-4 ऐसे सन्स ले आना, एक नॉर्थ में कर लेना, साउथ में कर लेना, आप जिस हिसाब से करना चाहो कर लेना। अब नॉर्थ साउथ तो आपको इसमें नहीं पता होगा, फिर भी कोई बात नहीं, अपने हिसाब से सेट कर लेना जिस तरफ आप रखना चाहो लाइटिंग को। इसमें अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपल था यार, मैंने उधर से सनलाइट उठाई और उसको एक जगह सेट कर दिया। बट इसमें भी आपको ध्यान से सेट करना होगा जिस हिसाब से आपने सनरेज देनी है। तो मैं सेकंड वाला भी उठा लेता हूँ, अभी दूसरा उठा लिए, इसको भी थोड़ा ब्राइट करेंगे सन पे करके, इसको तो साइड में करते हैं, हल्की सी ब्राइटनेस लाए, देखो हो गया ना, मतलब यार एक लुकी 3D वाली लुक आ जाती है जो देखने में काफ़ी बेटर लगती है। इसको आप यहाँ पर करके तो छोड़ सकते हो, देखो अपनी साइड में भी काफ़ी बेटर आ चुकी है, ठीक है। बट वो जो था ब्लैक है, तो इस तरह आप मतलब इसको थोड़ा इधर उधर करके आप अपने हिसाब से सेट कर लोगे तो आ जाएगी, अच्छी एडजस्टमेंट बैठ जाएगी। तो इसको आप अपने हिसाब से सेट करना। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको एनिमेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आऊँगा। बट अगर आपको इस ऐप का लिंक चाहिए तो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे नहीं दूंगा, क्योंकि ये प्रिज्मा 3D का जो 10th वर्जन है ये प्ले स्टोर में भी नहीं मिलता है और ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसको माना जाता है। सो इधर तो नहीं दे सकते। काफ़ी बार होता है कि यार हम किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इन्वॉल्व करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन या कमेंट में लिंक पिन करते हैं, सो हमारे लिए काफ़ी बार बुरा हो सकता है, हमारा चैनल जो है हमेशा के लिए टर्मिनेट किया जा सकता है। सो इसलिए मैं नहीं दे सकता, आप मुझसे उधर ले लेना। अगर आपको इस मॉडल का लिंक चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। पासवर्ड फ्री है, मैंने कोई पासवर्ड नहीं लगाया, आप जाओ डाउनलोड करो सिंपल से और यूज़ करो। लाइट इफेक्ट जिस तरह चाहो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करके रखी, मेरे को बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं। लाइक एक कमेंट आया था कि वो पैरोट ब्राउज़र में यूज़ तो कर रहा था बट हो नहीं पा रहा था। सो वो वैसे नहीं होने वाला है, उसको आप आराम से करोगे तभी यूज़ होगा। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आप एक ग्लिच क्रिएट करके उसमें इफेक्ट पाना चाह रहे हो, सो वो नहीं हो सकता। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मैक्सिमो जो है एक ऑनलाइन है, काफ़ी सारे उसमें प्राइवेसीज लगा के रखते हैं, आप उसमें जा तो सकते हो बट ग्लिच करके नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।